वो उन तमाम सलाहियतों का हामिल था जो किसी सल्तनत के बानी के लिए जरूरी होती है। उसकी हिम्मत और शुजात बेमिसाल थी और उसे कयादत का मलका खुदा दाद हासिल था। मैदान जंग में उसकी बहादुरी सिपाहियों में दिलेरी की रूह फूंक देती थी और इंतजाम हुकूमत में उसकी दानिशमंदी रियाया के दिलों को जीत लेती थी। उसके अदलो इंसाफ की शोहरत तमाम मुल्क में फैली हुई थी और उसकी अदालत में तुर्को तातार मुस्लिमों ईसाई सब बराबर थे। एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान होने के बावजूद उसका तर्ज जिंदगी इंतहाई सादा था और यही वो औसाफ थे जिनकी बुनियाद पर तारीख उसे अजीम सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान बिन अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियल टीवी और आज हम आपको मुसलमानों की अजमत रफ्ता की यादगार सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान अव्वल के बारे में मुस्तनद तारीखी कुतुब के हवालों के साथ हकायक पर मबनी मालूमात बताने जा रहे हैं। अगरचे उस्मान गाजी की जिंदगी पर मबनी तुर्क ड्रामा सीरियल कोरोलस उस्मान पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो मालूमात हम आपको फराहम करने जा रहे हैं वो ड्रामा सीरियल कोरोलस उस्मान से नहीं बल्कि तारीख की मुस्तनद तरीन किताबों से हासिल की गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। नाजरीन, 656 हिजरी बमुताबिक 1258 ईस्वी को तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसके वालिदैन ने उस्मान रखा। ये उसी साल की बात है जिस साल हलाकू खान की कयादत में मंगोलियों ने अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला किया और इस कदर खूनरेजी की कि बगदाद की गलियों में खून बारिश के पानी की तरह बहता था। एक ऐसे वक्त में जब तातारियों ने मुसलमानों की अजीम सल्तनत खिलाफत अब्बासिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया था, ऐन उसी साल उम्मत मुस्लिमा की एक और अजीम सल्तनत का बानी दुनिया में अपनी आंखें खोल चुका था। नाज़रीन, उस्मान गाजी जब लड़कपन के जमाने में थे तो वहां एक सूफी बुजुर्ग और आलिम दीन शेख अदाबाली रहा करते थे। उस्मान अक्सर उनकी खिदमत में हाजिर होते रहते थे। शेख अदाबाली की एक नहायत हसीनो जमील बेटी थी जिसका नाम माल खातून था। एक रोज उस्मान गाजी की नजर माल खातून पर पड़ी और वो पहली नजर में ही उस्मान गाजी को बेहद पसंद आ गई। उस्मान गाजी ने शेख अदाबाली को निकाह का पैगाम दिया लेकिन उन्होंने इस पैगाम को कबूल नहीं किया। उस्मान के बाद कुछ और तुर्क सरदारों ने भी माल खातून से शादी की ख्वाहिश जाहिर की लेकिन शेख ने उन्हें भी साफ जवाब दे दिया। बिल आखिर एक रात जब उस्मान गाजी शेख अदाबाली की दरगाह पर सोए हुए थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा कि एक चांद हिलाल की सूरत में अदाबाली के सीने से निकला और रफ्ता रफ्ता बदर का मुकम्मल चांद बनकर उस्मान गाजी के सीने में पैवस्त हो गया। फिर उस्मान गाजी के पहलू से एक दरख्त नमूदार हुआ जो बढ़ता ही चला गया, यहां तक कि उसकी शाखें बहरोबर पर छा गईं। दरख्त की जड़ से दुनिया के चार बड़े दरिया दजला, फुरात, नील और डेन्यूब बह रहे थे और चार बड़े पहाड़ कोहे काफ, कोहे बलकान, कोहे तूर और कोहे अटलस इसकी शाखों को संभाले हुए थे। अचानक एक नहायत तेज हवा चली और इस दरख्त की पत्तियां जो दिखने में तलवार जैसी थीं, इस हवा के चलने से पत्तियों का रुख एक अजीमुशान शहर की तरफ हो गया। ये शहर जो दो समुंदरों और दो बर्रे आजमों के इत्तिसाल पर वाक़े था, एक अंगूठी की तरह दिखाई देता था। इस अंगूठी में दो नीलम और दो जमुर्द जड़े हुए थे। उस्मान गाजी इस अंगूठी को पहनना ही चाहते थे कि उनकी आंख खुल गई। बेदार होने के बाद उन्होंने ये ख्वाब शेख अदाबाली को सुनाया। शेख अदाबाली ने सुनने के बाद
उस्मान को मुखातिब करते हुए कहा, उस्मान मेरे बेटे मुबारक हो, खुदा ने शाही तख्त तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही शेख ने उस ख्वाब को एक इशारा गैबी समझकर अपनी बेटी की शादी उस्मान गाजी से कर दी। नाज़रीन, यहां तारीख में एक इख्तिलाफ पैदा होता है। कुछ मौर्रखीन के मुताबिक शेख की बेटी माल खातून ही थी और उन्हीं से उस्मान गाजी का बेटा और हान गाजी पैदा हुआ, लेकिन कुछ मौर्रखीन के मुताबिक वो उस्मान की दूसरी बीवी राबिया बाला खातून थी, जिनसे उनका दूसरा बेटा अलाउद्दीन पैदा हुआ और माल खातून के वालिद उमर बे हैं। बहरहाल उस्मान गाजी के इस ख्वाब से सभी मुत्तफिक हैं। ये ख्वाब उस्मान स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो खुदा की तरफ से सल्तनत उस्मानिया का खुदाई इशारा था। अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उस्मान गाजी 27 सितंबर 1299 ईस्वी को अपनी रियासत के हुक्मरान बन गए। अर्तुगरुल गाजी ने अपने जोरे कुवत और सल्तनत सल्जुकिया में फैले इंतशार के बावजूद कभी खुद मुख्तारी का दावा नहीं किया था और आखिरी दम तक सुल्तान कौनिया के वफादार और जागीरदार ही रहे। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए उस्मान गाजी ने भी यही रविश इख्तियार की और अपनी फुतुहात से सुल्तान की शान और शौकत को काफी हद तक महफूज रखा। यह वो जमाना था जब सल्जूकी सल्तनत दम तोड़ रही थी और एशियाई कूचक में सियासी इंतशार फैला हुआ था। इस बिना पर अपनी फुतुहात का दायरा वसी करने के लिए इससे बेहतर मौका उस्मान गाजी को नहीं मिल सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी तवज्जो ज्यादातर बाज़ंतीनी इलाकों की जानिब मबजूल रखी, जिसके मुख्तलिफ असबाब थे। पहली वजह तो यह थी कि सल्जूकी जागीरें बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ मिली हुई थीं और बाज़ंतीनी फौजें सल्जूकी सल्तनत के सरहदी इलाकों पर वक्तन फवक्तन हमला आवर होती रहती थी, लिहाजा उनका कला कुमा करना इंतहाई जरूरी हो गया था। उस्मान गाजी के लिए बाज़ंतीनी इलाकों की तरफ मुतवज्जे होने की दूसरी वजह इस्लाम की तबलीग थी। नाज़रीन, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उस्मान गाजी ने बरसरे इक्तदार होने के साथ ही हमले शुरू कर दिए थे। उनकी लड़ाइयां इब्तदाई तौर पर मुदाफियाना थी। बाज़ंतीनी कलादारों के सल्जूकी सल्तनत पर हमलों के जवाब में उस्मान गाजी को सुल्तान कौनिया के नायब की हैसियत से मैदान में आना पड़ा। पहले ही साल कराबा हिसार का वाकया पेश आया। उस्मान गाजी ने इस कले को फतह करके बाज़ंतीनियों को आइंदा के लिए एक सख्त तनबीह कर दी। सुल्तान अलाउद्दीन ने कराबा हिसार और उसके गिर्दोपेश की तमाम अराजी जो उस्मान गाजी ने बजोरे शमशीर हासिल की थी उन्हें जागीर में दे दी। इसके साथ साथ उस्मान गाजी को नेजबक के खिताब से सरफराज करके उन्हें सल्तनत में अपने नाम का सिक्का जारी करने और अपना नाम जुमा के खुतबा में शामिल करने की इजाजत भी दे दी। इस तरह लकब के अलावा बादशाही के तमाम इम्तियाजात उस्मान गाजी को हासिल हो गए। सन 1300 ईस्वी में तातारियों ने एशियाई कूचक पर हमला किया और इसी जंग में सुल्तान अलाउद्दीन मारा गया। बाज रिवायतों में है कि उसका कातिल उसका बेटा गयासुद्दीन था, जिसने तख्ते सल्तनत की खातिर ऐसा किया था। बहरहाल तातारियों ने गयासुद्दीन को भी कत्ल कर दिया और एशियाई कूचक में सल्तनत सल्जुकिया का मुकम्मल खात्मा हो गया। अब उस्मान गाजी बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार थे और आइंदा तमाम फतूहात उन्होंने एक खुद मुख्तार हुक्मरान की हैसियत से हासिल की। सल्जूकी उमरा में उस्मान गाजी का सबसे बड़ा हरीफ अमीर करमानिया था। चुनाचे एशियाई कूचक के तुर्कों की सरदारी और पूरे मुल्क की हुकूमत के लिए फरीकैन के दरमियान उस्मान गाजी की जिंदगी में ही जंग का एक तवील सिलसिला शुरू हो चुका था, जो उसके मुतअद्दिद जानशीनों के अहद तक जारी रहा। नाज़रीन, उस्मान गाजी का मकसद सिर्फ फुतूहात हासिल करना और गिर्दोपेश की रियासतों को अपना मुती बनाना हरगिज नहीं था। 1291 ता 1298 के दौरान उन्होंने अपनी तवज्जो हुकूमत के इंतजाम व इस्तेहकाम की जानिब मबजूल रखी, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम करके हुकाम का तकर्रुर किया
और रियाया के फलाहो बहबूद में मसरूफ रहे। लेकिन दूसरे तुर्क सरदार, जो उस्मान गाजी की बढ़ती हुई कुव्वत से खाइफ थे, इस खामोशी को कमजोरी समझ बैठे और बाजंतीनी कलादारों से इत्तेहाद करके उस्मान गाजी के जेरे असर इलाकों पर हमला आवर हो गए। इस तरह जंग का जो सिलसिला 1298 में शुरू हुआ, वो उस्मान गाजी की तरफ से बिल्कुल मुदाफियाना था। लेकिन हमला आवरों को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया। उस्मान गाजी ने उन सबको इबरतनाक शिकस्त दी और यके बाद दीगरे बहुत से बाजंतीनी कले फतह कर लिए। बिलाखिर यनी शहर पर कब्जा करके उसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 1301 ईस्वी में उस्मान गाजी को नाइकोमीडिया से मुत्तसिल कयून हिसार के मकाम पर पहली मर्तबा शहनशाह कुस्तुनतुनिया की बाकायदा अफवाज से मुकाबला पेश आया। इस जंग में उस्मान गाजी ने शानदार कामयाबी हासिल की और 6 साल के अंदर उनकी फुतुहात का दायरा बहरे अस्वद के साहिल तक पहुंच गया। बाजंतीनी कले मुसलसल फतह होते गए और बरोसा, नाइसिया और नाइकोमीडिया के गिर्द फौजी चौकियों का एक मजबूत हिसार कायम हो गया। इस खतरे को दूर करने के लिए बाजंतीनियों ने तातारियों को उस्मानी सल्तनत पर हमले के लिए आमादा किया। तातारियों ने सल्तनत पर हमला कर दिया। उस्मान गाजी ने इस मर्तबा अपने बेटे और हान को हमला आवरों के मुकाबले के लिए भेजा और हान गाजी ने तातारियों को इबरतनाक शिकस्त दी और इस तरह बाजंतीनियों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। 1317 ईस्वी में उस्मान गाजी ने बरूसा का मुहासरा किया। बरूसा एशियाई कूचक में बाजंतीनी सल्तनत का एक नहायत अहम शहर था। ये मुहासरा तूल पकड़ गया और 10 साल से जायद अरसे तक जारी रहा। बिलआखिर बरूसा के महसूरीन ने हथियार डाल दिए और उस्मानी फौज और खान की सरबराही में फातेहाना तौर पर बरूसा में दाखिल हुई। उस्मान गाजी रहमतुल्ला अलैह उस वक्त बिस्तरे मर्ग पर थे, लेकिन वफात से कबल और खान गाजी ये खुशखबरी लेकर उनके पास पहुंचे तो उस्मान ने और खान की हिम्मत और शुजात की दाद देकर उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी रहमतुल्ला अलैह की जिंदगी जिहाद और दावत दीन से इबारत थी। वो जाहो जलाल और दौलत व सल्तनत की खातिर लड़ने वालों में से हरगिज नहीं थी। उनकी अपने बेटे और हान गाजी के नाम वसीयत आज भी तारीख का हिस्सा है, जिसे मुख्तलिफ तारीखी कुतुब में बयान किया गया है। वो अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, फरमा बरदार लोगों को एजाज से नवाजना, फौजों पर इनाम इकराम करना, कहीं सिपाह और दौलत की वजह से शैतान तुम्हें धोखे में ना डालते, अहले शरीयत से दूर मत होना। बेटे, तुम जानते हो कि हमारा मकसद रब्बुल आलमीन की रजा जोई है और ये कि हम जिहाद के जरिए तमाम आफाक में अपने दीन के नूर को आम करेंगे, लिहाजा वही बात करना जिसमें अल्लाह करीम की खुशनुदी शामिल हो। मेरे बेटे, हम वो लोग नहीं जो मालो दौलत के हुसूल और लोगों को गुलाम बनाने के लिए जंग करते हैं। हमने जिंदा रहना है तो इस्लाम की खातिर और मरना है तो भी इस्लाम की खातिर। ये है वो चीज़ मेरे बेटे जिसका तू अहल है। नाज़रीन, उस्मान गाजी की वफात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। कहा जाता है कि उनकी वफात 1323 या 1324 ईस्वी में हुई, लेकिन कुछ रिवायात के मुताबिक उनकी वफात 21 अगस्त 1326 में सोगोत के मकाम पर हुई और उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक बरूसा में दफन किया गया, जहां उनकी कब्र पर एक आलीशान मकबरा भी तामीर किया गया। नाज़रीन, ये थी सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान बिन अर्तुगरुल गाजी की दास्तान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप उस्मान गाजी रहमतुल्ला अलैह के बाद आने वाले सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर नाज़रीन की खातिर ख्वाह तादाद की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया तो हम खिलाफत उस्मानिया पर एक मुकम्मल सीरीज़ का आगाज़ इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे।
इस किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।